मैं ध्रुव ज्योति शर्मा और ये मेरा बेटा नीरज शर्मा, हम लोग आसाम से आए थे साल 2021 में। तो उसको जार्म सेल ट्यूमर के बारे में पता चला, तब यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाया, उसका बाद रेफर किया डॉक्टर पीजी वाजपेयी के लिए। तो 2021 से लेके अब तक उनका अंदर ट्रीटमेंट चला, तो अभी तो ये फुली रिकवर हो गया है। तो 6 महीना पहले उनको हम लोग एक बार दिखाया, तब भी ठीक था, अभी भी आज बुलाया 6 महीने का बाद, मतलब 1 साल हो गया, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल है। तो आई रिकमेंड डॉक्टर पीजी वाजपेयी मुनिपाल हॉस्पिटल फॉर सच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट व्हेवर वन टू टेक, इट विल बी वेरी नाइस। सो नीरज हमारे पास जनवरी 2021 में आया था। जब ये आया था तो इसको एक टेस्टिकुलर स्वेलिंग था और उसकी वजह से जो है इसका सर्जरी हुआ यूरोलॉजी में, और फिर हमको रेफर करा गया फर्दर कीमोथेरेपी के लिए। सो टेस्टिकुलर ट्यूमर की अगर मैं बात करूं तो टेस्टिकुलर ट्यूमर आमतौर पे 15 से 35 साल की उम्र में होता है, और आमतौर पे ऐसे पेशेंट्स ऐसे व्यक्तियों में होता है मेल्स में जिनका जो है टेस्टिस का डिसेंट यानी कि टेस्टिस स्क्रोटम में पूरी तरीके से नहीं आती है, वहां पर जो है टेस्टिकुलर ट्यूमर होने का चांस ज्यादा होता है। सो जब हमने जो है कीमोथेरेपी दिया, अनफॉर्चुनेटली नीरज को रिलैप्स हुआ आफ्टर एटलीस्ट अ ईयर। जब रिलैप्स लेके नीरज हमारे पास आया तो इसका मेडिकल कंडीशन बिकॉज ऑफ सिवियर एनीमिया, ब्लीडिंग हो रहा था, तो एनीमिया की वजह से हार्ट फंक्शनिंग बहुत पुअर था। हमने टेलर ट्रीटमेंट दिया और इवेंचुअली नीरज रिकवर करा एंड टुडे ही इज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टेस्टिकुलर ट्यूमर में हमको कई ऑप्शंस होते हैं और कीमोथेरेपी काफी सक्सेसफुल है, तो टेस्टिकुलर ट्यूमर इज वन ऑफ द क्यूरेटिव कैंसर्स। जब भी ऐसा हो तो निराश ना हो, अपने डॉक्टर से ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करें और इसका क्योर पॉसिबल है। थैंक यू।